अब रिटायर होने का समय, आदित्य ठाकरे संभालेंगे कमान। क्या उद्धव ठाकरे की जुबान बोल रहे हैं संजय राउत? उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। संजय राउत ने कहा है कि पार्टी में अब हमारे जैसे लोगों को अगली सीट से पीछे की सीट पर जाने का समय आ चुका है। शिवसेना की कमान अब नई पीढ़ी को सौंपनी चाहिए। मैं इसी नजरिए से आदित्य ठाकरे को देखता हूँ। इसके आगे राउत ने कहा कि आदित्य ठाकरे दिन ब दिन परिपक्व हो रहे हैं। उन्हें राजनीति के दांवपेच और बारीकियां भी समझ में आने लगी हैं। आदित्य ठाकरे के पास युवा सेना को संभालने का बड़ा अनुभव है। इतना ही नहीं, उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार में बतौर मंत्री भी बेहतरीन काम किया है। राउत के बयान के बाद एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या वह उद्धव ठाकरे की भाषा बोल रहे हैं? क्या उद्धव के इशारे पर संजय राउत ऐसा बयान दे रहे हैं? अब राजनीति से एग्जिट लेने का समय आ चुका है। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य की तारीफ करते हुए कहा कि युवा नेतृत्व के पास शिवसेना की कमान दिए जाने के लिए मुझे आदित्य ठाकरे सर्वगुण संपन्न नजर आते हैं। संजय राउत ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। संजय राउत ने यह बयान मटा कैफे प्रोग्राम में दिया है। मटा कैफे में संजय राउत ने कहा कि अब राजनीति से एग्जिट लेने का समय आ चुका है। उन्होंने आने वाले कुछ वर्षों में राजनीतिक संन्यास लेने के संकेत भी दिए। पात्रा चौल घोटाले में 3 महीने से ज्यादा जेल में रहे राउत, शिंदे फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद संजय राउत की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। गोरेगांव वेस्ट के पात्रा चौल घोटाले में राउत को 3 महीने से ज्यादा मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बिताने पड़े। इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। इस दौरान शिवसेना में भी बड़े बदलाव हुए। पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह सब बदल गया। कल तक उद्धव ठाकरे के लिए जीने मरने की कसम खाने वाले कई करीबी नेताओं ने भी उनका साथ छोड़ एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया।